अलामा खादिम हुसैन रज़वी के दौर से लेकर अब तक दीन के लिए पूछा है, दीनी तालीमात के लिए पूछा है और लोगों में से बुराई को निकालने के लिए पूछा है, ताकि कोई तानी वसवसा किसी के मिजाज में काम ना कर सके और अकवाम में और मसालक में ना तो तफरका पैदा हो और ना ही किसी किस्म का रंजो गम पाया जाए, बल्कि तमाम तर मजाहब पाकिस्तान में अमन आमा को फरोग देते हुए अमन से ज़िंदगी गुजारें और अमन से ज़िंदगी गुजारते हुए पाकिस्तान की सालमियत की दुआ करें। ये मुल्क कायम है तो हम सब कायम हैं और लबैक के साथ हम मुत्तफिक हैं। और जो भी साए, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सब मिलकर इनको ज्वाइन करें और इनके साथ काम करें। ऐसे तहरीक लबैक के बारे में, लेकिन पहले तो दिल्ली माना, लेकिन जब इन्होंने सही तरीके से गाइड किया, एक दो मीटिंग और भी की, तो हमें मालूम हुआ कि तहरीक लबैक जो है वो एक ऐसी ख़तरनाक पार्टी नहीं है, बल्कि एक समाजी और कारकुन पार्टी है और हमारी अकलियतों को तहफ़ फराम करने वाली पार्टी है। तो मेरा ख्याल है कि हम कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया कि तहरीक लबैक ज्वाइन किया, बल्कि हमने बहुत अच्छा काम किया और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम चलेंगे। शुक्रिया। कि तहरीक लबैक ही एक ऐसी पार्टी है कि जो अकलियत को आगे लेकर जाना चाहती है और अकलियत को वो किस तरह वो आगे लेकर जाना चाहती है वो बताया आज। कि मेरे अजीज़ो, आप सब भी अपना अकलियत वोट इसी कोई दिया जाए और खुदावंद यीशु मसीह का नाम इज़्ज़त और जलाल पाता जाए। तो हम सब तहरीक लबैक के साथ हैं।